यूपी उपचुनाव पर बढ़ी सियासी सरगर्मी। आमने सामने चंद्रशेखर और मायावती, दोनों ने उतार दिए प्रत्याशी, क्या है प्लान? यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दिनों दिन सरगर्मी बढ़ती जा रही है। भले ही अभी सपा, कांग्रेस और बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान ना किया हो, लेकिन बसपा चीफ ने प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। इस बार का यह उपचुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। यूपी में लोकसभा चुनाव में कमाल दिखा चुकी अखिलेश राहुल की जोड़ी की फिर एक बार अग्नि परीक्षा होने वाली है। लेकिन इससे इतर बसपा और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम में भी काफी दिलचस्प सियासी जंग देखने को मिलने वाली है। बसपा ने एक ओर जहां लंबे समय बाद उपचुनाव में लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा में यूपी की नगीना सीट से जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद के भी हौसले बुलंद हो चले हैं। चंद्रशेखर आजाद भी उपचुनाव को लेकर कमर कस चुके हैं और चंद्रशेखर की पार्टी ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने गाजियाबाद सदर सीट से चौधरी सतपाल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से जाहिद हसन और मिर्जापुर की मंझवा सीट से धीरज मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि वह जल्द ही बाकी 7 सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी। चंद्रशेखर के अलावा मायावती की बसपा ने मिल्कीपुर और मीरापुर से अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। मिल्कीपुर से रामगोपाल कोरी को टिकट मिला है, तो वहीं मीरापुर से चंद्रशेखर के करीबी को तोड़कर अपना उम्मीदवार बनाया गया है। बीएसपी ने मीरापुर से शाह नजर को टिकट देकर बड़ा दांव चला है। बता दें कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 9 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई हैं। तो वहीं कानपुर की सीसामऊ की सीट सपा नेता इरफान सोलंकी को एक मामले में 6 साल की जेल की सजा होने के बाद उनकी विधायकी रद्द होने के चलते खाली हुई है। यूपी उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से फिलहाल अभी तक कोई डेट या नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन भले ही तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, अपनी अपनी जीत का दावा ठोका जाने लगा है। उपचुनाव जब भी आएगा, जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ये अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। अधिकारियों को हटाना, अधिकारियों की पोस्टिंग करना, अपने मनमर्जी जो उनके लिए बूथ का काम करें अधिकारी, उनको पोस्ट कर देना, इसकी शिकायत समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को करेगी।